ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय नाइट्रिक एसिड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर कोई नॉन मेटल जो है या कोई मेटलॉइड अगर आप ऑक्सीडाइज करो यूजिंग नाइट्रिक एसिड, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपके पास तीन किस्म के प्रोडक्ट्स आते हैं। एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड एक प्रोड्यूस होता है, साथ में हमने देखा था कि एक वाटर प्रोड्यूस होता है, और थर्डली एक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जो कि रिस्पेक्टिवली नॉन मेटल ऑक्साइड का या मेटलॉइड के ऑक्साइड का होता है। मेटलॉइड्स के अंदर हम लोगों ने आर्सेनिक और एंटीमनी को देखा था। आर्सेनिक और एंटीमनी बिल्कुल फॉस्फोरस की लाइन्स के ऊपर H3ASO4 एंड H3SbO4 बनाते हैं, और नॉन मेटल्स के अंदर हम लोगों ने कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस की बात की थी। कार्बन से आप कार्बोनिक एसिड या वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हो, सल्फर से आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हो, एंड फॉस्फोरस से आप फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस कर देते हो। तो ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स हैं जो ये एलिमेंट्स के साथ प्रोड्यूस होते हैं। आज जो हमने देखना है वो ये कि अगर कोई मेटल अगर आप ऑक्सीडाइज करो यूजिंग नाइट्रिक एसिड, तो किस किस्म के किस तरीके से वो ऑक्सीडाइज होता है। मेटल्स के बारे में आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि मेटल्स कहते किसे हैं। मेटल्स ऐसे एंटिटीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिकली एटम्स के अंदर, इफ दिस इज योर न्यूक्लियस, और मसलन मैं लीथियम की अगर बात करूँ, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लीथियम, उसके आखिरी शेल में होते हैं तीन इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर लीथियम बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो वो Li+ के वन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर से निकलेगा तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से उसका चार्ज इंक्रीज कर गया, यहाँ पर मेटेलिक स्टेट में जीरो था और यहाँ पे +1 हो गया। सो बेसिकली मेटल की ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल से रिमूव करना, और हर मेटल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इतना ईजी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही वाला एक और एलिमेंट लूँ जो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। अब लिथियम के अंदर से निकालना आसान है कि सोडियम के अंदर से? सोडियम के अंदर से निकालना आसान है ना, क्योंकि इसके लास्ट इसका साइज बड़ा है एटम का, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्सेस कम होंगी इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सो सोडियम को ऑक्सीडाइज करना ईजी है निस्बतन लिथियम के। यही वजह है कि कुछ मेटल्स ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कुछ मुश्किलों से। अब आपने एक और कहानी भी पढ़ी होगी कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और ये आपके पास दो हाफ सेल्स होते हैं, आप ऊपर से अगर यूं करके यहां पे अगर आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और यहां पे फॉर एग्जांपल आप कोई सोल्यूशन ले लेते हो, और ये आपने दो इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल किए हैं, दिस इज इलेक्ट्रोड 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रोड 2। अगर मैं इलेक्ट्रोड 1 यूज करता हूं मेटल ए का और ये मेटल बी का, अब डिपेंड करता है, और यहां पे मैं सोल्यूशन ले लेता हूं मेटल ए एंड बी का सोल्यूशन, अब अगर तो ए और बी में से जो चीज इजीली ऑक्सीडाइज हो सकती है ना, यानी जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, वो क्या करेगा कि वो चेंज हो जाएगा A+ के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। मसलन अगर ए जो है, अगर ये ऑक्सीडाइज होना आसान है इसका निस्बतन बी के, तो सोल्यूशन के अंदर एक A+ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से ऊपर चला जाएगा, यहां से इधर जाएगा, यहां से आपको हल्की सी वोल्टेज शो होगी, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, EMF आपको शो होगा, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आता जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो जो वहां से आया था, और यहां से बी से वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली B+ आइंस पड़े हुए होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और वो बी के अंदर चेंज हो जाएंगे। अब ये जो दो रिएक्शंस हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो ए वाला था दिस वॉज बेसिकली ऑक्सीडेशन, एंड बी वाला इज बेसिकली रिडक्शन। अब जब भी कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है ना, तो यहां पे आपके पास कोई EMF आ जाता है, इस EMF को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और एक पूरी हम सीरीज बना देते हैं जिसको हम EMF सीरीज बोलते हैं, या उसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं। अगर आप एक तरफ को हाइड्रोजन को रख दो और दूसरी तरफ को आप चेक करो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो ऐसे को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, जिस तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी एक पूरा टेबल होता है, वो भी यही होता है, सिर्फ साइंस का डिफरेंस होता है। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन्स में एक हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन रिड्यूस हो तो जीरो
ईएमएफ आता है, यानी एक तरफ तो है ही हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको जीरो वोल्टेज नजर आएगी, या ईएमएफ आपको है। और अगर मैं लिथियम को लूं तो लिथियम जो है वो नेगेटिव शो करेगा, यानी लिथियम इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, यानी ये रिड्यूस नहीं होगा बल्कि ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा इजिली। और अगर मैं आयरन की बात करूं या सिल्वर की बात करूं तो ये मोर इजिली रिड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, सो एक तरह से ये जो पूरी सीरीज होती है आपको ये बता रही होती है कि कौन सा एलिमेंट, मसलन यहाँ पे मैं ऑरम को अगर लूँ, ए यू इज बेसिकली गोल्ड, गोल्ड, और दूसरा मैं इसका अगर कंपैरिजन करूँ सिल्वर के साथ, ए जी यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर, तो गोल्ड को इजी है ऑक्सीडाइज करना या सिल्वर को? सिल्वर को इजी है, क्योंकि जितना आप टॉप टू बॉटम आते जा रहे हो ना, ये यहाँ से नीचे और फिर यहाँ से बाद यहाँ से शुरू हो जाती है सीरीज और फिर वहाँ से नीचे, जितना आप यूं नीचे आते जा रहे हो ऑक्सीडाइज होने का जो खदशा है वो बढ़ता जा रहा है, और जितना आप टॉप पे हो उतना इजीली आप रिड्यूस हो सकते हो। तो रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड को बहुत इजीली या सिल्वर को बहुत इजीली जो है वो आप रिड्यूस तो कर सकते हो लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप देखो गोल्ड को आप रिड्यूस कर सकते हो, ऑक्सीडाइज सिल्वर को करना इजी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पी बी, यहाँ पे लेड की बात हो रही है और यहाँ पे क्रोमियम की बात हो रही है, तो लेड जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा निस्बतन क्रोमियम के, या आप इन अदर वर्ड्स यूं कह सकते हो कि क्रोमियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा निस्बतन लेड के। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कौन सी चीज इजीली रिड्यूस हो जाती है और कौन सी चीज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। नाउ जो आज का हमारा लेक्चर है कि हम लोगों ने देखना है कि कोई भी अगर मेटल है तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज के लेक्चर को हम स्प्लिट कर देते हैं कुछ हिस्सों में। ये आपके पास एक हल्की फुल्की सी सीरीज है, देखो ये आपको नजर आ रहा है इंक्रीज इन ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, जितना आप ऊपर आ रहे हो उतना इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एलिमेंट्स, और जितने नीचे वाले हैं वो उतने इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, यानी ये रिड्यूस होने ज्यादा अच्छा रिड्यूस हो जाते हैं नीचे वाले, और ऊपर वाले अच्छे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं। अब यहां पे अगर आप देखो गोल्ड जो है वो सबसे नीचे है और प्लेटिनम सबसे नीचे है, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि गोल्ड और प्लेटिनम को आप रिड्यूस तो कर सकते हो लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, और ऑक्सीडाइज करने का मतलब ये होगा ना उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालना, मसलन ये गोल्ड का एक एटम है इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कंपेयर्ड टू सिल्वर या कॉपर या लेड। ठीक है, तो होता यह है कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये रिएक्ट नहीं करते विद नाइट्रिक एसिड। इसी तरह हम मुख्तलिफ कैटेगरीज बना देते हैं, एक कैटेगरी जो सबसे नीचे आपको ये नजर आ रही है जिसमें प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अलावा प्लेटिनम पी टी, गोल्ड ए यू, इसके अलावा हमारे पास इरिडियम है आई आर, एंड टाइटेनियम, ये 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं। ये अभी पूरी सीरीज नहीं है, ये सीरीज का छोटा सा हिस्सा है, इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये बहुत इजीली रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं होते, इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। सो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर आप इनको रिएक्ट करवाओ तो देर इज नो रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा मैंने 2 मजीद जो है ना उनको हाईलाइट किया हुआ है, ये मैंने रेड कलर से जो 2 आपको ये दिखाए हुए हैं ना ब्लॉक्स, ये 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना ये बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, और ये किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां से मसलन मैंने सोडियम कलेक्ट किया और मैं देखता हूं कि सोडियम किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। जब आप सोडियम और HNO3 का आपस में रिएक्शन कराते हो तो टेक्निकली व्हाट हैपेंस इज कि सोडियम एंड प्रोटॉन्स एंड नाइट्रेट्स आर बेसिकली फ्लोटिंग, काइंड ऑफ फ्लोटिंग इन द सोल्यूशन। तो ये होता है कि सोडियम गोज टू द एनोड, या इन अदर वर्ड देर इज नो एनोड टेक्निकली, तो सोडियम बेसिकली रिलीजेज 1 इलेक्ट्रॉन, इट चेंजेस इन टू Na+। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि सोडियम के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, और इस H+ की ये कोशिश होती है कि मुझे किसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन मिले और ये H के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन, और ये वाले रिडक्शन रिएक्शन 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके बेसिकली H2 गैस बना देते हैं। ठीक है, आप इसी तरह ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी आपको 2 प्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। ठीक है, इफ यू ऐड दीज 2 टुगेदर तो
नाइट्रेट्स भी आपको दोनों साइडों पे अब ऐड कर देने चाहिए, तो दो नाइट्रिक एसिड जो हैं टू एच एन ओ थ्री विल रिएक्ट विद टू सोडियम एटम्स टू मेक टू सोडियम नाइट्रेट्स प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये हमेशा यही होता है, आप जब भी किसी जब भी नाइट्रिक एसिड को किसी सादे मेटल के साथ रिएक्ट करवाते, सादे मेटल से मतलब ये जो ऊपर वाले, ये वाले सारे जो मेटल्स हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा इस कैटेगरी में मैंगनीज भी आता है, ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरा टेबल नहीं बना हुआ, एक्चुअली इस टेबल में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इन तमाम के साथ ये होता है कि ये रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम रिएक्ट करेगा विद नाइट्रिक एसिड तो रिस्पेक्टिव अपना सॉल्ट बना देगा, कैल्शियम और नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा सी ए एन ओ थ्री होल ट्वाइस। बेसिकली कैल्शियम सी ए से सी यू सी ए प्लस टू में चेंज हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्सीडाइज हो गया, और रिड्यूस क्या चीज़ हुई है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन रिड्यूस होके एच प्लस वन से एच जीरो यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एच टू रिलीज हो जाती है। तो आपने स्टेप वाइज याद रखना है कि ये जो ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और सॉल्ट बन जाता है। अब कौन से बच गए हैं, अब हमारे पास एक तो ये दरमियान वाले बच गए हैं जिनमें कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इन पांच को आप याद करो शाबाश जल्दी से, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इन तमाम की क्या प्रॉपर्टी है, इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी। अगर आप एल्यूमिनियम के अंदर नाइट्रिक एसिड डालो ना, तो व्हाट हैपेंस इज कि Al2O3 विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी एक कोटिंग बन जाती है, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम एक दफा ऑक्सीडाइज हो जाता है उसके बाद फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, क्योंकि एक कोटिंग बन जाती है और वो कोटिंग फर्दर प्रोटेक्ट करती है एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है। यही वजह मैंने आपको पहले भी एक दफा एल्यूमिनियम जब पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड जब आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना होता है ना, तो उसमें जो हम लोग ये ट्रक्स वगैरह यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम मटेरियल के बनाए जाते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ एक तरह से रिएक्ट नहीं करता, करता तो है एक दफा हल्का सा रिएक्ट करता है, Al2O3 जो है इसकी एक कोटिंग बन जाती है, और वो कोटिंग जो है वो फर्दर रिएक्शन से उसको बचा लेती है, ठीक है। सो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग आपने याद रखना है, प्रोटेक्टिव कोटिंग इज फॉर्म्ड किस किस के साथ, एक दफा दोबारा से मैंने अभी आपको याद करवाए थे, निकल, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम, शाबाश। इन पांच चीजों के साथ जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड तो एक कोटिंग बन जाती है, ठीक है, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से बचा लेती है। अगर इस टेबल के अंदर आप देखो तो है तो वैसे ये काफी ऊपर वाले हैं पांचों, ठीक है, यानी ये इजीली ऑक्सीडाइज तो हो जाने चाहिए, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं करते, इनको ऑक्सीडाइज तो हो जाना चाहिए, बट टेक्निकली चूंकि ये एक लेयर बना लेते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग की एक लेयर बना देते हैं, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आपने ये पढ़ा कि प्लेटिनम, गोल्ड, इरिडियम, टाइटेनियम, ये चार तो सबसे चूंकि नीचे हैं इस टेबल के अंदर तो ये तो रिएक्ट करते ही नहीं है। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज वगैरह जो हैं ये बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और चूंकि बहुत ही इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, और साथ रिस्पेक्टिव एक सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद आपने देखा कि ये जो दरमियान के कुछ एलिमेंट्स हैं ये एक पूरी लेयर बना लेते हैं और ये रिएक्ट करते ही नहीं है, उस लेयर बनने के बाद ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। अब जो पीछे कुछ बच गए हैं जिनमें जिंक है, टिन है, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है और मरकरी है, इन सबको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, ठीक है, लेट्स कम हियर। सबसे स्टार्ट में हम लोग बात करते हैं जिंक, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी, ठीक है। ए जी इज फॉर अर्जेंटम, सिल्वर का दूसरा नाम, और एच जी इज फॉर हाइड्रोजारम, मरकरी का दूसरा नाम। सो इन चार की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इन चार में यह होता है कि अगर ये चार जिंक या कॉपर या सिल्वर या मरकरी अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो एक आपके पास प्रोडक्ट बनता है डाइल्यूट प्रोडक्ट,
यानी है कि अगर मैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करूं तो क्या बनेगा, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, साथ में वाटर रिलीज होगा और साथ में एक सॉल्ट बन जाएगा। आई रिपीट, एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में एक सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा जो कि रिस्पेक्टिव मेटल का सॉल्ट होगा विद नाइट्रेट। लेट्स ट्राई टू डू वन एग्जाम्पल कि अगर मैं सिल्वर लूं और सिल्वर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करूं तो क्या क्या बनेगा, एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, एक वाटर बनेगा और साथ सिल्वर और नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाएगा। सिल्वर के ऊपर वैसे सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर Ag+1 हो जाता है, तो Ag+1 NO3 -1 इज AgNO3, तो ये तीन प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये की बना लो आप कि जब भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है विद जिंक, कॉपर, सिल्वर या मरकरी, तो क्या होता है कि एक नाइट्रिक ऑक्साइड लाजमी प्रोडक्ट में बनता है और साथ एक मेटल का सॉल्ट बन जाता है, जो भी मेटल आपने यूज किया था उसका करिस्पॉन्डिंग नाइट्रेट। इस रिएक्शन को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो कि एक्चुअली क्या हुआ है इसकी डेप्थ के अंदर, कॉपर एक स्टेप के अंदर बेसिकली ऑक्सीडाइज हुआ है, Cu से Cu2+ में चेंज हुआ है और साथ में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए हैं। दिस इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या चीज रिड्यूस हुई है? शाबाश, नाइट्रेट्स रिड्यूस हुए हैं। NO3-1 जो है यहां पे नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? शाबाश, +5। और नाइट्रेट रिड्यूस होके क्या बना देता है? नाइट्रेट रिड्यूस होके बना देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें प्रोडक्ट बनता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और इसमें बेसिकली हमें तीन इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि तीन का फर्क पड़ रहा है चार्ज में। दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में आपको यह करना होता है कि आपने देखना होता है ऑक्सीजन बैलेंस्ड है कि नहीं। नीचे वाले के अंदर इफ यू सी ऑन द राइट साइड यू हैव वन एंड ऑन द लेफ्ट यू हैव थ्री ऑक्साइड ऑक्सीजन, सो यहां पे मैं दो मॉलिक्यूल्स पानी के ऐड कर दूंगा, उसकी वजह से चार H+ एक्स्ट्रा हो जाएंगे इस साइड पे। ठीक है, और तो कोई गड़बड़ नहीं है। शाबाश, और कोई गड़बड़ नहीं है। अब इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड करने से पहले एक और अभी गड़बड़ भर के बाकी है। ये गड़बड़ आपको पहले रिजॉल्व कर लेनी चाहिए थी। चलो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जल्दी से। वो गड़बड़ ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं किए। यहाँ पे देखो नीचे तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऊपर दो हैं, तो पहले तो हमें दोनों को छः छः बनाना पड़ेगा। ऊपर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रेड से करता हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए। 3 3 एंड ये 6 हो जाएंगे एंड ये भी 6 हो जाएंगे, और नीचे वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे एक 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप वो ये था कि ऑक्सीजन हमने बैलेंस करने हैं। नीचे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन तो बैलेंस्ड हैं, लेफ्ट पे 6 और राइट पे 2 ऑक्सीजन हैं, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने से 8H+ इस साइड पे एक्स्ट्रा हो गए। अब ठीक लिखा। अब आप ऐसे करो कि यहाँ पे 8H+ हैं और दो नाइट्रेट्स हैं, तो आप ऐसे करो कि 6 नाइट्रेट्स आप खुद से ऐड कर दो, और इस साइड पे भी हमें फिर 6 नाइट्रेट्स ऐड करने पड़ेंगे। अब आप अगर इसको सिंपलीफाई करके रखो, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर से और इधर से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और 8H+ और 8 ही NO3 हैं, तो ये 8HNO3 बना देंगे, और इसके अंदर तीन कॉपर के मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हो, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में यहाँ पे, सॉरी, और 2 NO आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 3 Cu+2 एंड 6 NO3-1, अगर आप लिखो Cu+2 है, NO3-1 है, तो ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा, और पीछे आप 3 लगा दो, तो नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसी तरीके से मैंने अभी तो आपको सिर्फ समझाया है कि अगर कॉपर रिएक्ट करे तो क्या होता है, इसी तरीके से आप जिंक का भी ट्राई कर सकते हो। एग्जैक्टली यही वाला पूरा प्रोसीजर होगा सिल्वर के लिए भी एंड मरकरी के लिए भी। आपने जो बात याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन हो सो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और अगर कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन हो, कंसेंट्रेटेड मैं यहां से ये रिमूव कर देता हूं ये वाला पार्ट, और यहां पे हम लिख देते हैं, अगर यही आप रिएक्शन कंसेंट्रेटेड के साथ करो, +HNO3 इन कंसेंट्रेटेड फॉर्म
तो फिर क्या होता है कि फिर इंस्टेड ऑफ एनओ NO2 प्रोड्यूस हो जाता है, बाकी वही चीजें होती हैं, प्लस करिस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाता है, NO2 प्रोड्यूस हो जाता है और H2O प्रोड्यूस हो जाता है। इसकी मैं रीजन आपको बता देता हूं। एक्चुअली कंसेंट्रेटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर HNO3 बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर है, ठीक है। और आपने एक और रिएक्शन भी पढ़ा होगा कि NO जो है ना, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। अगर NO के अंदर आप नाइट्रिक एसिड रिएक्शन करा दो इनको दोनों का आपस में, तो क्या होता है कि ये NO भी NO2 के अंदर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप पढ़ चुके हो पहले। सो होता ये है कि एक तरह से आप समझो कि जब कंसेंट्रेटेड भी आपने ऐड किया है ना नाइट्रिक एसिड, तो रिएक्शन डाइल्यूट ही वाला होता है, लेकिन डाइल्यूट का जो NO वाला प्रोडक्ट है ना, वो दोबारा कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके NO2 में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। बिकॉज इन NO2 नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4, इन NO द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। सो बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सो जिंक, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और इसके अलावा टिन जो है, ये स्टेनस स्टेनम जो जिसको हम बोलते हैं, वो भी डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड के साथ इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यील्ड करता है। तो अभी तक हमने क्या बात की, ये जो बॉटम के दो हैं ये तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, सेंटर के हमने ये पांच पढ़े जो क्या करते हैं कि एक लेयर बना लेते हैं, टॉप के हमने पढ़े ये वो हैं जो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, और ये जो बीच बीच के अभी बच गए थे इनके बारे में हमने बात की है कि ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं विद डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा टिन और मरकरी, ये दो ऐसी चीजें हैं कि इनको थोड़ा सा स्पेशल इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसलिए हम इन दो के बारे में इंडिविजुअली बात कर लेते हैं। टिन जो है ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, ठीक है। और ग्रुप 4A के अंदर टिन और लेड के बारे में आपने पढ़ा था कि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये +2 एंड +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। ये इससे पहले काफी दफा बात रिपीट हो चुकी हुई है। अब इस तरह के कंपाउंड्स को हम स्टेनस और इस तरह के कंपाउंड्स को स्टेनिक बोलते हैं, इस तरह प्लम्बस एंड प्लम्बिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जब आप टिन को ऑक्सीडाइज करते हो ना इन नाइट्रिक एसिड, तो एक तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि टिन जो है वो डाइल्यूट के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो वो क्या करना चाहिए, बल्कि सॉरी टिन के बारे में तो हमने बात ही नहीं की थी, वो जो अभी हमने ऊपर बात की थी ना कि चार जो चीजें हैं उसमें टिन था, बल्कि यस था लेकिन इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया। टिन जो है ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देता है, टिन की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, टिन के बारे में आपको बता देता हूँ। टिन अगर आप डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करवाओ ना, या जिंक की भी थोड़ी सी डिफरेंट है, जिंक अगर बहुत ही डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करवाओ या टेन को अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करवाओ, तो आपके पास एक अमोनियम नाइट्रेट भी कंपाउंड बन जाता है साथ में, अमोनियम नाइट्रेट। अब जिंक ने तो उसी तरीके से ऑक्सीडाइज होना है, ठीक है, Zn+2 तो बनेगा ही, और Zn+2 का नाइट्रेट जो होता है दैट इज जिंक नाइट्रेट, ठीक है। लेकिन ऊपर जो है आपके पास Sn जो है अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करे तो Sn+2 के अंदर चेंज होता है, यानी स्टेनस नाइट्रेट बनेगा। और अगर टेन का आपने कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करवाया होता तो फिर आपके पास स्टेनिक क्लोराइड बन जाता, यानी SnNO3 होल 4। आई रिपीट कि टेन एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जो स्टेनस और स्टेनिक कंपाउंड शो करता है जिनकी वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। स्टेनस में +2 होती है और स्टेनिक में +4 होती है। अभी जो स्टेनिक नाइट्रेट है इट इज हाईली अनस्टेबल, ये कन्वर्ट हो जाता है SnO3 H2SnO3, ये बेसिकली 10 का एसिड है करस्पॉन्डिंग, ये फॉर्म हो जाता है। आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाओ, बट एटलीस्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि 10 जो है जब डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है तो SN+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जब कंसेंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है तो ये SN+4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। दिस इज इट अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर काफी हमने डिटेल के अंदर कवर किया है, ये हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल्स देख लिए हैं कि किस मेटल के साथ किस किस्म के प्रोडक्ट्स यील्ड होते हैं। इसके अलावा एक ऐसा मेटल है जिंक जिसके थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, इसको हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे।